हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि होंगे साइंस से। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया ही था, मंडे होगा हिस्ट्री का दिन, मतलब मंडे आपसे जो डिस्कस होंगे 25 क्वेश्चन वो होंगे हिस्ट्री से, ट्यूसडे साइंस से होंगे 25 क्वेश्चन, वेडनेसडे ज्योग्राफी से होंगे, थर्सडे बैंकिंग या फिर इको से होंगे, और जो फ्राइडे है वो पॉलिटी का दिन होगा, सैटरडे सबका दिन होगा, मिसलेनियस क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो संडे होगा वो कुछ स्पेशल होगा, इसमें 25 क्वेश्चन नहीं होंगे आपके, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि जो पूरे वीक का करंट अफेयर है मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन में इनफ रहेगा, और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे, और ठीक 5 बजे आपको मिलेंगे हर दिन, और जो भी मेरे मॉड्यूल्स की PDF है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और इस जो सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो आपके डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड एक आपका डाउट रहता है कि सर इको कब स्टार्ट होगा, है ना, तो उसके ऊपर भी मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली वो आपका स्टार्ट होगा ज्योग्राफी के तुरंत बाद। ज्योग्राफी का जो सेशन प्लान है वो ऑलरेडी हमने उसको बना लिया है, और बस एक थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है कि कैसे कैसे क्या करना है, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, ज्योग्राफी के तुरंत बाद ही हम इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैं समझ सकता हूँ आपका IBPS क्लर्क का या फिर SO का जो पेपर है जनवरी में, आपको बेसिकली उसकी तैयारी करनी है, तो बहुत जल्द आएंगे हम इकोनॉमिक्स के और बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस के साथ, और करंट अफेयर भी हम डिस्कस करेंगे वीक का, जो कि आपके सभी के सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो ये क्वेश्चन सीरीज़ है 25 क्वेश्चन सीरीज़, ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं वो आपको एक अच्छा आइडिया दे देते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आपसे एग्जामिनर पूछता है, ठीक है, तो उन्हीं क्वेश्चंस के साथ हम आते हैं हर दिन, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो अंगोरा वूल बेसिकली कौन से एनिमल से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये करते हैं अंगोरा रैबिट से। जो अंगोरा रैबिट है वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर चाइना में पाया जाता है, और इसका जो वूल होता है बहुत ही सिल्की स्मूथ होता है, बहुत थिन लेयर का होता है, जैसे कि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में बताई देता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसका जो सोर्स है वो है विकिपीडिया, ठीक है जी। अंगोरा इज़ नॉन फॉर इट्स सॉफ्टनेस, थिन फाइबर्स एंड मतलब बहुत ही थिन फाइबर होता है इसका, और काफ़ी ज़्यादा मतलब सिल्की टेक्सचर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स आर फाउंड अंडरग्राउंड, तो इनमें से कौन सा फ्रूट्स है जो अंडरग्राउंड हमें मिलता है, तो वो है ग्राउंड नट, जिसको आप पीनट भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एलिमेंट विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, लाइफ प्रोसेस जो होता है हमारा वो 4 कंपोनेंट की वजह से होता है, और वो कौन कौन से कंपोनेंट है, कार्बो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, और एनर्जी ज़रूरी है। और अगर मैं सही मानने में मानूं, और काफ़ी साइंटिस्ट भी इसे एग्री करते हैं, कि जो ऑक्सीजन है वो एक एक्चुअली ओवरराइडिंग की है इंग्रेडिएंट इन ऑल 4 ऑफ दिस लाइफ कंपोनेंट्स, जो 80% है आपका मेटाबॉलिक एनर्जी वो आपकी क्रिएट ही ऑक्सीजन से होती है। ह्यूमन बॉडी इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको जो आंसर है वो बेसिकली कौन सा है, ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेस्ट ट्यूब बेबी मींस, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं वो बेसिकली किस वजह से होते हैं, कैसे किए जाते हैं, और उसका एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है, वैसे तो ये आंसर आपको मैं चाहता था कि आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ऑलरेडी गिवन है। तो जानते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूट्रस, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में से जो आपके लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट है वो ये है, द फर्स्ट सक्सेसफुल बर्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, और ये किसके द्वारा किया गया था, लुइस ब्राउन, अकर्ड इन 1978। और इसका जो बेसिकली कैसे होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी हम जान लेते हैं, फर्टिलाइज्ड एग इन इज देन ट्रांसफर्ड टू द पेशेंट
यूट्रस विद द इंटेंशन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी की टर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिसीज आर कॉल्ड। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली किस तरह के ट्रांसमिटिंग डिसीज फैलाते हैं, तो वो वेक्टर ट्रांसमिटिंग डिसीज होते हैं। तो आंसर है आपका वेक्टर। और इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो जान लेते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटो हो गया, लाइस हो गया और बग्स, ये बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़ जैसे कि चिकनगुनिया वायरस, येलो फीवर, डेंगू फीवर। तो इस तरह के जो फीवर्स होते हैं वो हमारे वेक्टर डिसीज से होते हैं और जो कि इंसेक्ट्स फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज आर। तो ये जो क्वेश्चन है एंटीबॉडीज, इसको अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं आपको, वैसे जब बायोलॉजी हम करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इसकी नॉलेज आपको मैं दूंगा बायोलॉजी की, जो भी जितने भी टर्म्स होंगी या फिर केमिस्ट्री की या फिर फिजिक्स की। देखिए जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या काम करती हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको याद होगा बचपन में हमें कुछ वैक्सीन्स या कुछ इंजेक्शन्स लगते थे स्कूल्स में, जैसे कि आपको कहा जाता था कि जापानी बुखार का एक इंजेक्शन वैक्सीन्स दिया जा रहा है। तो वो क्या होता था उस टाइम, आपको याद होगा कि हमें कुछ भी ऐसा कुछ डिसीज नहीं होता था, फिर भी हमें वो वैक्सीन दे दी जाती थी। उसका रीज़न क्या होता था सुनिए। देखिए जो वैक्सीन थी वो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या करती थी, डेड सेल्स हमारी बॉडी में डाल दिए जाते थे। वो डेड सेल्स होते थे जैसे जापानी बुखार के लगा लो या आप कोई भी वायरस के लगा लो, ठीक है। तो वो डेड सेल्स होते थे हमारी बॉडी में, उसका कोई फर्दर इफेक्ट तो नहीं होता था, लेकिन वो डेड सेल्स डाले क्यों जाते थे, उसका रीज़न क्या था कि जब वो डेड सेल हमारी बॉडी में जाते थे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती थी। मतलब उस वायरस के लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ का बनना शुरू हो जाता था हमारी बॉडी में। अगर इन फ्यूचर हमारी बॉडी में इस तरह का अगर वायरस आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ देख लेंगी, ठीक है। तो सिर्फ इसको इस तरह से समझिए कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, डिफेंस या फिर प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं जो वायरस हमारी बॉडी में आ जाते हैं। तो जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो सेल्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं एंटीबॉडीज़ के लिए, वो होते हैं लाइपोसाइट्स, और इनको वाइट ब्लड सेल्स का पार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ नीडल और अ पिन फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। इसका जो रीज़न है वो बहुत ही सिंपल सा रीज़न है। जो हमारी नीडल होती है वो बेसिकली इनविजिबल इलास्टिक स्किन की होती है, और इलास्टिक स्किन की जो सरफेस टेंशन है वो वाटर से बेसिकली स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो सही मायने में अगर देखें, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर लेड्स टू फोर्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द नीडल्स वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज। ये सिंपल आपकी जो डेली आप एग्जांपल्स देखते हो अपनी डेली लाइफ में, जैसे आपने कोई भी ऑयल पानी में डाला तो आपने देखा होगा जो उसका ऑयल का जो ड्रॉप है वो पूरे पानी में फैल जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल जो होती है वो स्मॉलर होती है वाटर से, ठीक है। और ऑयल का ड्रॉप जब जैसे ही पानी में हम डालते हैं तो फोर्स स्ट्रेच कर देती है ऑयल ड्रॉप को और वो हर तरफ फैल जाता है। तो ये बेसिकली इसका रीज़न होता है, और इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हैज़ हायर सरफेस टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। बिल्कुल गलत, कंडक्टर बिल्कुल सही। जो ओम्स लॉ है वो बेसिकली कौन से केस में वैलिड है, कंडक्टर के केस में ही वैलिड है, क्योंकि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V इक्वल टू IR, जितना वोल्टेज हम फ्लो करेंगे एक सर्किट में उतना ही करंट फ्लो करेगा, हालांकि रेजिस्टेंस उसको रोकने का काम करता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है कि करंट को एक लिमिटेड फ्लो होने देता है। तो ओम्स लॉ किसका वैलिड केस है, कंडक्टर का, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज यूज्ड। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है वो बेसिकली क्या होती है, और वो किसके इन चार ऑप्शन में से कैसे हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो चार ऑप्शन है, फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स, नहीं बिल्कुल गलत, वर्किंग ऑफ बाइनोक्यूलर्स, नहीं बिल्कुल गलत, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सही सवाल है।
सही जवाब। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? रिफ्लेक्शन, ना कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसी को ही हम कहेंगे कि जब इंसिडेंट बीम आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और वो फॉलो करेगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, और तभी हम एक सिग्नल को दूसरे मतलब एक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से भेज सकते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो केस है वो ये है कि जो आपकी सिग्नल है वो बेसिकली उसी डायरेक्शन में फ्लो होंगे जिस डायरेक्शन में उसको एक क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हम अगर हम इंसिडेंट एंगल मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नोट डाउन है और मैंने उसको अच्छे से आपको समझा ही दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज डैश इज लोअर देन वाटर। जो अल्कोहल होता है वो बेसिकली मोर वॉलेटाइल होता है। देखिए जो अल्कोहल है वो बेसिकली आपका जो हम अल्कोहल वगैरह पीते हैं, वैसे मैं तो नहीं पीता, तो जो भी अगर अल्कोहल वगैरह पीता होगा तो वो बनी होती है इथानॉल से। वैसे आपकी मिथानॉल से भी अल्कोहल बनती है, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस होती है और उससे डेथ भी हो सकती है मिथानॉल से जो अल्कोहल बनती है। तो इथानॉल से जो अल्कोहल बनी बनती है उसका जो पानी से वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, और उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो पानी से ज़्यादा होता है। और ये भी आपको जानना जरूरी है, जो वेपर प्रेशर है अल्कोहल का वो पानी से 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन कर लेना। देखिए तो और क्या जो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आंसर है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल इज मोर वॉलेटाइल देन वाटर बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन वाटर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल एनर्जी। तो ग्लोबल एनर्जी का सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स कौन सा है? पहला तो है फॉसिल फ्यूल और दूसरा है रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, 67% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल से, और जो 22% इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है रेन्यूएबल एनर्जी से। अ लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसकी है? देखिए ये चारों ऑप्शन बेसिकली ठीक है अगर हम लाइट ईयर की बात करें, टाइम, डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हम एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इन चारों में से एक ऐसा आंसर चुने जो सबसे ज़्यादा सही हो, वो आंसर है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। उसका रीज़न क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम देखते हैं। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यूज टू एक्सप्रेस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस एंड द मेजर्ड अबाउट 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर और 5.88 ट्रिलियन माइल्स एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या फिर यूनियन। अ लाइट ईयर इज डिस्टेंस डेट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन वन जूलियन ईयर बिकॉज इट इंक्लूड्स द वर्ल्ड ईयर। द टर्म ईयर is sometimes misinterpreted as a unit of time। तो आपने misinterpreted नहीं होना, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो आपका most possible answer है इन चार options में वो यही है कि जो light year है वो unit है distance traveled by light। ठीक है जी, तो next question की तरफ चलते हैं। next question है आपका LPG इज मोस्टली लिक्विफाइड। जो LPG है वो मोस्टली किसको लिक्विफाइड करता है? तो चार ऑप्शन देखते हैं हम। हाइड्रोजन, बिल्कुल गलत जवाब। ऑक्सीजन, नहीं। ब्यूटेन, हाँ जी ये आपका सही है। या अगर यहाँ पे प्रोपेन होता वो भी आपका सही होता। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है बेसिकली वो या तो प्रोपेन, इसमें बेसिकली यूज़ होती है प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8, ये भी आपको याद रखना है, और ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4S10। ठीक है, दे आर मोस्टली कॉमनली मिक्सचर ऑफ दिस टू हाइड्रोकार्बन गैसेज डेट आर यूज एज फ्यूल इन हीटिंग अप्लायंस कुकिंग इक्विपमेंट, जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं व्हीकल्स। इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर विंटर द मिक्सिस कंटेन मोर प्रोपेन वाइल समर दे कंटेन मोर ब्यूटेन। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर जब विंटर के केस में जो हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें जो मिक्सिंग की जाती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज में वो ज़्यादा होती है प्रोपेन की। ठीक है, और समर के केस में होती है ब्यूटेन की। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने लिखा ही होगा, नहीं लिखा हुआ तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला. जो केरला का जो एरिया है कोस्ट एरिया, उसमें रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन पाया जाता है. उसका जो बेसिकली रीज़न है, वो रीज़न है जो वहाँ की सैंड है, मोनाजाइट सैंड, उसमें बेसिकली थोरियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है. इस वजह से जो केरला का जो कोस्ट एरिया है, वहाँ पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है. ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में एक्जैक्टली लिखा ही हुआ है, थोरियम रिच मोनोजाइट सैंड डिपॉजिट ऑन द केरला कोस्ट हैज़ बीन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर वी यूज़, तो फायर के लिए हम किसको यूज़ करते हैं बेसिकली एक्सटिंग्विशिंग फायर के लिए, तो ये हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का. और ये जो ये बीच में ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत ही खतरनाक गैस है. मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको. मान लीजिए हमारे घर में लाइट चलेगी, ठीक है, तो आजकल तो इन्वर्टर हैं, पहले इन्वर्टर नहीं होते थे, तो उस केस में हम क्या करते थे, मोमबत्ती का यूज़ करते थे, कैंडल जला लेते थे रूम में. और मान लो अगर हमने कैंडल जला ली और हमने दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए, मतलब एयर का जो आना जाना वो बिल्कुल हमने रोक दिया है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, जो मोमबत्ती की जो मोमबत्ती मतलब से गैस निकलेगी, जो मतलब बेसिकली वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड. और अधिक मात्रा में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उस कमरे में जमा हो जाए तो इस केस में डेथ भी हो सकती है. तो बहुत ही खतरनाक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड. लेकिन इसका जो आंसर है, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया, जो इसका आंसर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. गैस कैन बी यूज फॉर टू पर्पस इन अ फायर एक्सटिंग्विशर, नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई नाइट्रोजन गैस. ये भी याद रखना कि ड्राई नाइट्रोजन गैस का भी हम यूज़ करते हैं, आर यूज फॉर द प्रोपेलिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स. नॉर्मली एयर कैन आल्सो बी यूज फॉर प्रेशरिंग एन एक्सटिंग्विशर एंड एज एन प्रोपेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोलिन इज यूज फॉर, तो बेसिकली ये यूज किया जाता है, यूज एज एन एक्सप्लोसिव. इसको TNT भी कहा जाता है, TNT. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देखते हैं. और ये TNT का फार्मूला भी आपको याद रखना है, C6H2NO ब्रैकेट में NO23 एंड CS3. ये फार्मूला भी कई बार पूछा गया है. तो ये एक तरह का, दिस इज येलो सॉलिड इन सम टाइम्स यूज एज री एजेंट इन केमिकल सिंथिसिस, बट इज द बेस्ट नोन एज एन एक्सप्लोजिव मटीरियल. और एक्सप्लोजिव मटीरियल कौन से होते हैं आपके, बॉम्ब, पावर ऑफ एक्सप्लोजिव्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाइट्रिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग. जो नाइट्रिफिकेशन होता है बेसिकली वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है. और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से हम क्या करते हैं, नाइट्रिफिकेशन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल, जो कि सॉइल में हम नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं, उसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है. अगर हम बात करें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, मतलब अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, या हम बात करें नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस ही है. लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर है वो है आपका सी, अमोनिया इंटू नाइट्रेट. ठीक है जी, जो नाइट्रिफिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इंटू नाइट्रेट. तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है जो मैंने अभी आपको बताई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर. तो जो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जिसकी जो पावर रीजनरेटिव पावर बहुत ही कम है, वो है ब्रेन सेल. तो ब्रेन सेल एक बार अगर ख़त्म हुआ तो वो कभी भी वो कम बैक नहीं कर सकता. ठीक है, और ये जो रिसर्च की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कारोलिंसिंका इंस्टीट्यूट इन स्वीडन. ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया था कि जो एक बार ब्रेन सेल्स किसी भी पर्सन की बॉडी से मतलब ख़त्म हो जाते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, देखिए अगर हम बात करें प्योरेस्ट फॉर्म वाटर की, तो वो होता है रेन वाटर. ठीक है, रेन वाटर एक प्योरेस्ट फॉर्म है नेचर, जो कि हमें नेचर के द्वारा मिलता है. लेकिन जब वो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है, मतलब धरती तक पहुंचता है, तब वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि वो मिक्सअप हो जाता है काफ़ी जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, उस वजह से वो जो पानी है वो दूषित हो जाता है.
तो रेन वाटर इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, इम्प्योरिटीज एंड साल्ट प्रेजेंट इन वाटर ऑन अर्थ एंड लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग वेपराइजेशन ऑफ बाय द सन. लेकिन हाउ एवर द रेन वाटर वी रिसीव ऑन अर्थ इज नॉट necessarily pure as it brings down impurities and particle present in the atmosphere along with it. जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, कुछ गैसेज ऐसी present होती हैं जो इसको pure आने नहीं देती हमारी अर्थ के एटमोसफेयर तक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है. देखिए जो किडनी का काम होता है वो क्या होता है, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम्स, ब्लड प्रेशर और जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो हमारा मेटाबोलाइट्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है और जो ब्लड को रेगुलेट करने का काम करता है और जो इम्प्यूरिटीज है उसको निकालता है. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया. और क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कुछ एक टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि सिग्नलिंग, सेलुलर डिफरेंशिएशन, सेल डेथ जो हो जाती है, या फिर सेल साइकिल को बनाए रखता है, सेल की ग्रोथ को प्रॉपर हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है माइटोकॉन्ड्रिया. तो इसको एक तरह का पावर हाउस कहा जाता है सेल्स का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स भी कहते हैं. एड्स किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से. और ये वायरस होता है एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ की वजह से. और अगर हमारी बॉडी में पॉजिटिव पाया जाता है तो वायरस, तो हमें कौन सी डिसीज़ होने का खतरा है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एयर में कौन सा जो प्रोसेस है वो बढ़ने नहीं देता, वो है फोटोसिंथेसिस. जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं. तो वो जो प्रोसेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अधिक नहीं होने देता. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. द विटामिन डेट इज मोस्ट रीडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी, देखिए इन चारों में से ऐसा एक विटामिन डी का जो बेसिकली सोर्स है वो है सन. ठीक है, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस है उससे हमें मिलता है विटामिन डी. विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होता, वो हमें बेसिकली मिलता है सन से. तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन. और एक और चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करनी है, देखिए ये क्वेश्चन सीरीज का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो. और इस वीडियो को, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ज़रूर बताइए. और कुछ भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आ रहा, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि ये टॉपिक हमारा होना चाहिए, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. आप मुझे बताइए, हम जो ये सीरीज़ के बाद उस टॉपिक को, अगर छोटा सा या फिर ऐसा टॉपिक होगा जो मुझे लगता है कि इस वीडियो के साथ बन पाएगा, तो वो मैं जरूर डिस्कस करूँगा. ठीक है, और भी जो आपके सुझाव होंगे जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. थैंक यू.